हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि के टिप्स। तो जैसा इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ चीज़ें अभी ईजिली अवेलेबल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अवेलेबल होती। पर इस समय क्योंकि बच्चे हैं, उनका मन तो करता ही है कुछ अच्छा सा इस तरह की चीज़ें खाने का। आज मैंने घर पर होम बेस्ड चीज़ों से ही मैंने पिज़्ज़ा बेस बनाया है, साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ को भी घर पर ही तैयार किया है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में मैंने कढ़ाई में ही इसको बनाया है कि जिससे जिसके पास ओवन नहीं हो वो भी इसको इजीली बना सकता है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये मैंने देखिए ये पूरा मैंने रख दिया है। रोज़ जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, नमक, वो मैंने रख दिया है। ये एक्चुअली मैं इसे अक्सर यूज़ करती हूँ बेक करने के लिए, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया। मैं इसको अंत में फिर मैं एक बॉक्स में भर के रख लेती हूँ, फिर से इसको रीयूज़ करती हूँ। तो मुझे जैसे हम लोग ओवन को प्री हीट करते हैं, वैसे हम ये कढ़ाई में बना रहे हैं, तो कढ़ाई को भी हमें एकदम स्टार्टिंग में प्री हीट के लिए रखना है। बड़ी सी मैंने कढ़ाई रखी है, थोड़ी कढ़ाई आपकी ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। मैंने इसके नीचे पूरे बेस में ऐसे चौड़ा सा ऐसे नमक फैला दिया है और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। और इसका लिड अब हम जब रखेंगे तभी खोलेंगे, उसके पहले अब हम नहीं खोलेंगे कि अच्छे से प्री हीट हो जाए। एक तरफ जहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है प्री हीट होने के लिए, दूसरी तरफ मैंने देखिए पिज़्ज़ा बेस के लिए ये डो तैयार कर लिया। जी हाँ, लत इसको डो को तैयार किया है। इस डो को मैंने कैसे तैयार किया है इसका एक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कैसे कैसे मैंने इसको बनाया है। ये करीब बनाने के इसको गूंदने के बाद मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया है कि इसका अच्छे से ये सेट हो जाए। और अब मैं इसमें हल्का सा घी लगाऊंगी, बटर डाल दिया है, मक्खन। और अब हम यहाँ करीब 5 से 7 करीब लहसुन को हम बिल्कुल चॉप्ड काट के रख रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ लहसुन डाला है, लहसुन के डालते ही हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, दैट इज़ चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच हम डाल देंगे इसमें पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। इनसे ना इनका फ्लेवर अपने में बहुत अच्छा आता है, ये जो हम बेस तैयार कर रहे हैं। और साथ में हम इसमें 1/4 चम्मच हम इसमें जो मिक्स्ड हर्ब होते हैं, ऑरिगैनो होते हैं, हम उनको डाल रहे हैं। बटर है वो भी हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे, थोड़ा निकाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसको कढ़ाई में छोड़ा है। और साथ ही में प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, ये जो 3 सब्ज़ी हम इसमें डालेंगे, हम इसकी टॉपिंग तीनों इसमें डाल देंगे और बिल्कुल हल्का सा इनको हम इसमें सौते कर लेंगे। इससे होता क्या है ना कि सब्ज़ियों में फ्लेवर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, सारी चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। हमें पकाना नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट भी हमें इसके ऊपर नहीं रखना है, बस ये हल्का सा ये करके हम इसे तुरंत निकाल लेंगे। तो तुरंत हम कढ़ाई से हटा करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारा प्रोसेस आता है जो बेस में हम सॉस लगाते हैं उसको हमने तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है टोमेटो सॉस, करीब 1 चम्मच मैं लूँगी चिली सॉस, आपके पास रेड चिली सॉस हो आप उसको भी मिला सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें सीजनिंग मिलाएंगे। इनको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा बस कम हमें इसमें नमक मिलाना है ऑलरेडी, क्योंकि सॉस में नमक है, हमारे बेस में नमक है, तो हमने नमक बिल्कुल ही कम मिलाया है, बस ये है कि वो कम ना लगे। हमने देखिए जो ये बेस लिया था करीब 2 पिज़्ज़ा बेस के लिए लिया है, कर देंगे हम हाफ क्योंकि हमें 2 पिज़्ज़ा बेस बनाना है इसका, इसकी एक लोई बनाएंगे। तो देखिए हमने हल्का सा इसमें आटा लगा लिया है और अब जितना ये पिज़्ज़ा बेस का बेस होता है उतना बड़ा हम इसको बेल लेंगे। ये हमारा बेस बन के तैयार है, ये देखिए इसका थिकनेस, क्योंकि अभी ये बेक भी होगा तो थोड़ा सा ये और मोटा हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक नॉर्मल प्लेट लिया है, इसके ऊपर मैं डालूंगी अपना वही मक्खन वाला मिक्सचर जो मैंने लहसुन के साथ तैयार किया था। मैं इस बेस को मैं रख दूंगी इसी के ऊपर यूँ, ठीक, फोक लेके मुझे इसको प्रिक करना है। इस तरह मैंने प्रिक कर लिया मक्खन वाली ग्रीसिंग, इसको हम इस पर हल्का से डाल लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जो हमने सॉस तैयार किया है वो हम इस पर डालेंगे, इसे अच्छे से इस पर स्प्रेड कर देंगे हम। इसे स्प्रेड करने के बाद अब हम इस पर चीज़ ग्रेट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है होममेड चीज़ जिसको मैंने बनाया है घर पे, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हर चीज़ इजली अवेलेबल नहीं है, सो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने होममेड चीज़ को प्रिपेयर किया है। अच्छे से हमने स्प्रेड किया है, अब हमने इसकी जो टॉपिंग्स ली थी शिमला मिर्च, गाजर, इन सबको हम इनके ऊपर डाल देंगे। ये हमने बटर वाला मिक्सचर तैयार किया था, हल्का सा इसको हम बॉर्डर्स पे लगा देंगे, इससे क्या होता है बॉर्डर्स भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे और ब्राउन हो जाएंगे, जलेंगे नहीं। जो कढ़ाई हमने प्री हीट होने के लिए रखी थी इसको मैं ओपन कर रही हूँ, वाह कितनी बढ़िया ये गर्म हो चुकी है, देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि आपकी अच्छे से प्री हीट होनी ही चाहिए। मेरे पास ये स्टैंड है, मैं रख रही हूँ यहाँ पर, आप चाहो यहाँ पर आप कोई कटोरी भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम इस प्लेट को धीरे से रख देंगे, ध्यान से कि आप जलो नहीं, इसको मैंने रख दिया। के बाद मैं कढ़ाई का लिड अच्छे से इस पर कवर कर दूंगी
और करीब 10 मिनट के लिए ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये ऐसे ही रहेगा। इसको मैं 20 से 7 मिनट बाद मैं इसको ओपन करके चेक करूंगी कि क्या ये हो गया है। 10 मिनट हो गए, मैंने इसका लिड हटा दिया है। अभी मैंने होममेड ये चीज़ डाली है, उसका टेक्सचर मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, वाओ, ये देखिए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो मैं आपको काट के नहीं दिखा रही हूँ उसको, लेकिन आप ऐसे इसके साइड से इसकी ये चीज़ का टेक्सचर चेक करिए। ये देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो देखा आपने कितने आसानी से घर में अवेलेबल चीज़ों से ही मैंने पिज़्ज़ा का बेस बनाया, मोज़रेला चीज़ बनाया और फाइनली मैंने पिज़्ज़ा को तैयार भी करा। सो आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा, इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।